तो एक अच्छा हाईलाइट कवर कैसे बनाएं? तो गाइस जब भी हम अपने इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी डालते हैं तो वो स्टोरी बस 24 घंटे तक ही विजिबल रहती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। लेकिन हम उन स्टोरीज को एज अ हाईलाइट परमानेंटली सेव करके रख सकते हैं। लेकिन हाईलाइट क्रिएट करते वक्त आपको तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, हाईलाइट इमेजेस, हाईलाइट थीम, हाईलाइट नेम। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी प्रोफाइल देखो, यहाँ पर मैंने जितने भी हाईलाइट्स क्रिएट करे हैं उनके नेम उन हाईलाइट से बिल्कुल रिलेटेड है और उस हाईलाइट के अंदर स्टोरीज भी उनसे ही रिलेटेड है। जैसे यूट्यूब के अंदर यूट्यूब से रिलेटेड स्टोरीज, इंस्टाग्राम के अंदर इंस्टाग्राम से रिलेटेड और अचीवमेंट्स के अंदर अचीवमेंट से रिलेटेड ही स्टोरीज है। और जो कलर मैंने अपनी इंस्टाग्राम फीड में यूज करा है वही सेम थीम मैं अपनी हाईलाइट्स के अंदर भी यूज करता हूँ। पिंक, पर्पल और ऑरेंज, कुछ इस टाइप का ग्रेडिएंट कलर यूज करता हूँ मैं अपनी इंस्टाग्राम फीड में, आप देख सकते हो। तो कैसे बनाना है एक अट्रैक्टिव हाईलाइट कवर इस वीडियो में पता चलने वाला है आपको। दो मेथड बताऊंगा, पहला मेथड उनके लिए जो थोड़ा क्रिएटिव है और खुद से डिजाइन कर सकते हैं, और दूसरा मेथड उनके लिए जो थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगाना चाहते, बस उन्हें बना बनाया मिल जाए और वो अपने हाईलाइट कवर को लगा सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो गाइस इंस्टाग्राम हाईलाइट बनाने के लिए हम कैनवा का यूज करेंगे। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। कैनवा को इंस्टॉल करने के बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी से या फिर फेसबुक अकाउंट से। साइन इन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, उसके बाद सिंपली इस प्लस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी, उसके बाद यहां से राइट कर देंगे। टिक करने के बाद आपको इस प्लस के सिंबल पर दोबारा क्लिक करना है और इलस्ट्रेशन में जाना है। इलस्ट्रेशन में जाने के बाद शेप्स, उसके बाद आपको इस स्क्वायर शेप को ले लेना है और उसके बाद इसको ऐसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद फॉर एग्जांपल मेरे को ट्रैवल से रिलेटेड अपना एक हाईलाइट बनाना है, तो इस प्लस के सिंबल पे दोबारा क्लिक करेंगे और अपनी इमेज को लेंगे, इलस्ट्रेशन में जाएंगे और सर्च करते हैं एरोप्लेन। उसके बाद यहाँ पर जितने भी नीचे क्राउन वाले आ रहे हैं जहाँ पे किंग का सिंबल है, ये सारे प्रीमियम वर्जन के हैं, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। और जितने भी ऊपर के 2-3-4 हैं हम उनको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पर हम ले लेते हैं। लेने के बाद इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं। अभी गाइस यहाँ पर क्या है कि जो मेरी इंस्टाग्राम की थीम का कलर है वो कुछ ग्रेडिएंट टाइप का है, तो मैं इस येलो वाले बैकग्राउंड को नहीं लूँगा, इस शेप को नहीं लूँगा। मैंने पहले से ही कोई अपना बैकग्राउंड डिज़ाइन करके रख रखा है, मैं उसको लूँगा। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इस प्लस के सिंबल पर दोबारा क्लिक करते हैं और इमेजेस में जाते हैं। और गैलरी में आने के बाद मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि मैं यही यूज़ करता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं सेट। उसके बाद इस एरोप्लेन का एक कॉपी ले लेते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। उसके बाद इसको ऊपर लाते हैं, ये हो गया यहाँ पे सेट। इस एरोप्लेन पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पर आके सेट कर देते हैं और इसको थोड़ा स्मॉल और इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर देंगे। अबे पूरा फाइनली सेट हो चुका है। अब गाइस आप यहाँ पे इसके कलर्स चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसके कलर चेंज करता हूँ, इस ग्रे पे जाते हैं और ग्रे पे रखते हैं ब्लू, और उसके बाद इसके ऊपर जाते हैं और इसको रखते हैं येल्लो। उसके बाद जो ये ग्रे है इसको करते हैं रेड। अब फाइनली मैंने इनका कलर भी चेंज कर दिया है। कलर चेंज करने के बाद सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगी, प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन डाउनलोड हो चुकी है। अब सिंपली जाएंगे अपने इंस्टाग्राम पर और जाएंगे न्यू हाईलाइट में। न्यू हाईलाइट में जाने के बाद अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी स्टोरी नहीं डाली है, तो फॉर एग्जांपल जब भी मैं कोई एक स्टोरी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हम इस स्टोरी को ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर नेम आएगा ट्रैवल। एक बात याद रखना, जिससे रिलेटेड आपकी हाईलाइट है, आपकी हाईलाइट की इमेज है, उससे रिलेटेड ही आपको नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जितना भी ट्रैवल करूँगा उस सारी स्टोरीज को इस हाईलाइट के अंदर डालूँगा। तो एडिट कवर पर जाते हैं, एडिट कवर पर जाने के बाद यहाँ पर गैलरी का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस अभी मैंने आपको वहाँ पे सर्कल शेप लेने के लिए इसलिए नहीं बोला, स्क्वायर शेप लेने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि अब यहाँ पे आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो कितना बड़ा भी कितना छोटा भी। तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा और बड़ा, ये फाइनली हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद डन, उसके बाद दोबारा डन। अब ये गाइस हमारा कम्प्लीटली हो चुका है पूरा प्रोसेस, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ट्रैवल का हाईलाइट बन चुका है जो मेरी इंस्टाग्राम फीड से बिल्कुल
मैच करता है, मेरी थीम से मैच करता है और देखने में अट्रैक्टिव भी लग रहा है। अब गाइस आपको बताता हूँ कि जो सेकंड वाला मेथड था जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, फ्री में आपका काम हो जाएगा, आपको इस प्लस के सिंबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टेम्पलेट में जाना है, टेम्पलेट में जाने के बाद सर्च करना है इंस्टाग्राम हाईलाइट को सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पहले से ही जो हाईलाइट्स बन रखे हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाए थे वो यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको सबको डाउनलोड कर लेना है और सिंपली जाके अपनी हाईलाइट को बना देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करते हैं रेड वाले पे, तो ये पहले से ही सब कुछ बन रखा है, आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इसको लगा देना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम के लिए एक अच्छा सा हाईलाइट कवर बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आती रहती है। और बेल आइकन जरूर दबा देना, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हो तो इन फ्यूचर आपसे ऐसी वीडियोस मिस हो जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा देना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।